इस वीडियो में बात करेंगे सी फाउंडेशन दिसंबर 22 रिजल्ट डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया सी ए फाउंडेशन दिसंबर 22 रिजल्ट डेट को लेकर के इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे कोई भी एग्जेक्ट डेट नहीं बता सकता नहीं ऑफिशियल अपडेट कब तक आ सकता है ये भी आपको नहीं बता सकता है आज कम से कम सौ से दो स्टूडेंट का मैसेज आया होगा इंस्टाग्राम पे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है कितने

स्टूडेंट बोलते ये चैनल ने ये बोल दिया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आ रहा है एकदम कन्फर्म न्यूज बता रहा है इंटरनल न्यूज बता रहे ऐसा कैसे हो सकता है यार मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा रिजल्ट के बाद आपको सी इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना होगा इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेज तो प्लीज चार्टेड स्टडीज का वीडियो को देख के ही आप लोग सी इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा क्यूँकी चार्टेड स्टडीज एक दो साल से नहीं पूरे तीन साल से काम कर रहा है सी ए सी फील्ड में इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में प्लीज थैंक यू मत लिखिएगा नहीं गलत सलत कॉमेंट कीजिएगा इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कोशिश करना है की सारे स्टूडेंट कॉमेंट करें कि पेपर वन में आप कितना मार्क्स का एक्सपेक्ट कर रहे पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो तो क्या उतना मार्क्स आया या नहीं आया क्रॉस चेक भी हो जाएगा और मैं सारे स्टूडेंट का कॉमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे ये भी जानना है कि आप लोग कितने मार्क्स का उम्मीद कर रहे हो आप लोग तो प्लीज ऐसा कॉमेंट जरूर कीजिएगा एक और बात बोलते हैं प्लीज निगेटिव थॉट से दूर रहे आप सारे स्टूडेंट मेहनत किए पास जरूर करोगे रिजल्ट के लिए सारे स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है जो भी स्टूडेंट मेहनत किए हैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सी फाउंडेशन दिसंबर 22 रिजल्ट को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ पे आता है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है यहीं पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ये चैनल सबसे पहले आपको अपडेट कर देगा हो सकता है आपको पहले ही पता चल जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फिर भी आप लोग चार्टेड स्टडीज को प्यार जरूर दीजिएगा जैसे की आप लोगों को पता है सीए अनुपम शर्मा सर आई के चेयरमैन रह चुके हैं दो हजार सेशन में उन्होंने सबसे पहले अपडेट किए थे तीन या चार फरवरी दो हजार तेईस को रिजल्ट देखने को मिल सकता है कुछ स्टूडेंट इसको भी ऑफिशियल डेट समझ लेते हैं ऑफिशियल ने यहाँ पे क्लियर लिखा है एक्सपेक्टेड डेट है इसके कुछ समय बाद धीरज खंडेलवाल सर जो कि सीसीएम मेंबर है सेंट्रल काउंसिल मेंबर है उन्होंने अपडेट किया कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट है तीन या चार फरवरी 2023 को ये ऑफिशियल मेंबर के द्वारा एक्सपेक्टेड डेट बताया गया आज देख रहे हैं सुबह से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कब तक आ सकता है ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखो सबसे पहली बात की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी भी अब आ सकता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिले कर रहा होगा शायद न्यू कोर्स के बारे में कुछ अपडेट करना होगा इसी में थोड़ा बहुत डिले हो रहा है बाकी जल्द ही ऑफिसियल नोटिफिकेशन आ सकता है जैसे कि ऑफिशियल मेंबर बोले तीन या चार फरवरी को रिजल्ट देखने को मिल सकता है तो कम से कम एक से दो दिन पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले देखो सबसे पहली बात कि मेरे पास कोई भी इंटरनल न्यूज नहीं है मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ की अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होगा तीन या चार को तो दो या तीन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है और मेरे हिसाब से ज्यादा चांस है कल के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है मेरे पास कोई भी इंटरनल न्यूज नहीं है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बाकी मुझे ऐसा लगता है ज्यादा चांसेस है रिजल्ट डिक्लेयर होने का चार फरवरी मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मेरे पास कोई भी इंटरनल न्यूज नहीं फिर भी मैं ये बात बोल दे रहा हूँ वैसे आप सारे स्टूडेंट को थैंक यू सो मच कि चार्टेड स्टडीज ने कंप्लीट कर लिया एक लाख तिरासी हजार का फैमिली मेंबर आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के कारण अभी भी फोर्टी परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो भगवान आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए और हाँ आप अभी सीए फाउंडेशन में हो कल को इंटरमीडिएट में जाओगे फाइनल में जाओगे पूरे लाइफ में कभी भी दिक्कत होगा सीए कोर्स करते समय में एक बार मैसेज करके देखिएगा चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे चार्ट स्टडीज हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा और जो स्टूडेंट आज मुझसे बातें करना चाहते हैं कॉल पे मैं इंस्टाग्राम के स्टोरी में अपना नंबर शेयर करूंगा तो आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा मैं अपना पब्लिक नंबर रात में ऑन करूंगा और आप लोगों से बातें करेंगे जो भी डाउट हो पूछ सकते हो क्यों इतना परेशान होते हो मेरे दोस्त रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा और आप लोग पास भी करोगे जो लोग हार्ड वर्क किए सो डोंट वरी रिलैक्स रहो यही टाइम है इंजॉय करने का जाओ ना इंजॉय करो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आप बहुत बिजी हो जाओगे